कैसे आप सब लोग? मैं सोचती हूँ आप सब लोग घर पर ठीक हो। ठीक है तो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हिंदी सब्जेक्ट में प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने औ की मात्रा को पढ़ा था। औ की मात्रा कैसे होती है और अगर हम व्यंजन अक्षरों पर औ की मात्रा लगाएंगे तो वो अक्षर क्या बनते हैं और औ की मात्रा वाले शब्दों को हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा पार्ट, वो है अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर और इसका अनुस्वर अनुस्वर अनुनासिक और विसर्ग। दूसरा पार्ट है अनुस्वर अनुनासिक और विसर्ग, यानी कि अनुस्वर मतलब ये जो अम अक्षर अम है ना, अक्षर अम, तो ये डॉट, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये है अनुस्वर, ये है अनुस्वर। और दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि जो ये दिख रहा है आपको, ये है अनुनासिक, ये वाला है अनुनासिक। ठीक है, ये अनुस्वर है और ये अनुनासिक है और विसर्ग यानी कि अक्षर अहा, अम अहा, ये है ना, तो ये है विसर्ग, ये है अनुस्वर, ये है विसर्ग अनुनासिक और ये है विसर्ग। अनुस्वर अनुनासिक और विसर्ग, ये डॉट का आपको डॉट को हम क्या कहते हैं? हम अम की मात्रा होती है ना, उसको हम अनुस्वर कहते हैं और ये भी अम की मात्रा है तो इसको हमने अनुनासिक कहलाते हैं। तो फिर दूसरा वाला जो है विसर्ग, हम आहा, जो आहा की मात्रा होती है ये जो डॉट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो चलिए पहला आज हम सीखेंगे अनुस्वर। ठीक है, अनुस्वर इसको आज हम सीखेंगे। तो अनुस्वर, जैसे कि अगर हम किसी भी व्यंजन अक्षरों पर अनुस्वर लगाएंगे तो अक्षर क्या बनते हैं? जैसे अक्षर क, अक्षर क, ख, ग, ग, ञ, तो ये अक्षर क, ग, 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 ञ है। तो अगर हम इन अक्षरों पर इस अनुस्वर को लगाएंगे यानी कि अम की मात्रा को लगाएंगे तो अक्षर क्या बनते हैं? जैसे व्यंजन का पहला अक्षर है क, तो क पर हम अनुस्वर अनुस्वर को लगाएंगे तो अक्षर बनेगा कम, क से कम, क्योंकि हमने इस अनुस्वर को क पर लगाया है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा वहां है अक्षर ख, तो ख पर कम की मात्रा खम, फिर है अक्षर ग, ग पर कम की मात्रा लगाए तो बनता है गम, अक्षर ह, ह पर अम की मात्रा लगाए तो बनता है घम। ठीक है बच्चों, ये है अक्षर ज्ञ, यहाँ पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे। तो ये गगन ज्ञ से कम, खम, गम, घम, ज्ञ, ये बन गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे अक्षर च, छ, ज, झ, यहाँ पूरा हा तक। तो बच्चा आज के लिए इतना ही करते हैं, तो आज के लिए भी मैं व्यंजन अक्षर यहाँ तक ही समझाती हूँ। आप घर पर चा से लेकर हा तक अक्षरों को लिखकर इस अनुस्वर को आप लगा देना और देखना कि वो अक्षर क्या बनते हैं। जैसे चाचा चाचा ना से अगर हम चाचा चाचा ना पर अम की मात्रा लगाएंगे तो वो बनेगा चम, छम, जम, झम, झम, टाटा टाटा ना पर टम टम दम दम टम। तो उसके बाद दूसरा वर्ण है अक्षर मिलाओ शब्द बनाओ। अक्षर मिलाओ और शब्द बनाओ, आज हम क्या सीख रहे हैं? खाली अनुस्वर को आज हम सीख रहे हैं, अनुस्वर। तो यहाँ पे अक्षर ग है,
दम। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, अक्षर ग और इन सारे अक्षरों को मिलाकर हमें शब्द बनाना है, जैसे कि जैसे रम, राम और ग, रंग 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 और ग दोनों, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर रंग बनता है। तो राम कितने रंग और ग रंग रंग बन गए कलर्स। तो दूसरा है अंग, अंग 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 अंग। फिर चौथा है संग, संग संग संग। फिर चौथा है डंग, डंग 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 डंग। जो फिर है टंग, टंग अक्षर टंग 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 टंग। फिर है जंग, जंग सेवा है जंग जंग। ये हुए अनुस्वर। तो यानी कि हमने इन अक्षरों को जोड़कर कुछ शब्द बनाया है, जैसे रंग रंग अंग अंग संग संग रंग डंग तंग तंग जंग जंग। ये रहा जंग। ये बच्चों ये आप सभी को आता है ना, ये हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया है चित्र का नाम लिखो, चित्र का नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चित्र को देखकर उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे पहला चित्र कौन सा है, यहाँ पे पहला चित्र है पतंग, पहला चित्र दिया है पतंग। तो आप सभी को ये समझ में आ गया ना कैसे लिखते हैं। ये चित्र है कौन सा चित्र है बच्चों, ये चित्र है पतंग का। तो पतंग को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं पतंग, पहला लिखेंगे प रेमा और तंग का, तो बन गया पतंग। चित्र का नाम लिखना है पतंग पतंग। तो फिर दूसरा मैं यहाँ दूसरा दिया है यहाँ पे झंडा, दूसरा चित्र है झंडा। तो दूसरा वहां पे चित्र है, ये चित्र है झंडे का। तो झंडे को कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे हम बोल रहे हैं झंडा झंड, ये अक्षर झ, छा पे हम अनुस्वर लगाएंगे तो बनेगा झन, और श्रद्धा दा पे आपकी मात्रा डा, झन डा ठीक है। झा झा पे अनुस्वर झन, डा डा पे आपकी मात्रा डा झंडा। ये हुआ दूसरा चित्र का नाम। फिर तीसरा वहां यहाँ पे दिया है मंदिर, तो मंदिर को कैसे लिखेंगे, मंदिर चित्र तो मैं नहीं डाल सकती, आप यहाँ पे चित्र देख लीजिएगा, लेकिन ये चित्र है मंदिर का मंदिर। तो यहाँ पे आप मन द, द पे एक ही मात्रा दी रा मंदिर। तो ये हो गया माँ पे आपकी मात्रा अनुस्वर वन, द द पे की मात्रा दी रा मंदिर ठीक है। तो चौथा वहां है बंदर,
तो बंदर, ये देखिए चित्र, ये बंदर का चित्र है, ये रहा बंदर का चित्र। तो अब हमें बंदर लिखना है, कैसे लिखेंगे? ब, जैसे हम बोल रहे हैं ब, ब पे अनुस्वर बम, बन, द, र, बंदर। अक्षर ब, ब पे अम की मात्रा यानी कि अनुस्वर बन, द, र, बंदर। इंग्लिश में मंकी कहते हैं ना, उसी तरीके से हिंदी में बंदर कहते हैं। और दूसरा में पंखा और अंगूर, ये देखिए पंखा अंगूर, ठीक है, इसको भी आप अनुस्वर यानी कि अम की मात्रा है, अनुस्वर ख, ख पे आपकी मात्रा ख, पंखा, ठीक है। तो फिर चौथा नाम है अंगूर, ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम हिंदी में कहते हैं अंगूर। तो अंगूर को कैसे लिखेंगे? अक्षर अंग, अंग, ग, ग पे उ की मात्रा और र, अंगूर। आ, अनुस्वर ग, ग पे उ की मात्रा और र, अंगूर। ठीक है बच्चों, चलिए ये हुए, ये हमने चित्र के नाम को लिखा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिया है एक लाइन के शब्द लिखो, एक लाइन के शब्द यानी कि इंग्लिश में जैसे राइमिंग वर्ड्स होता है ना, उसी तरीके से हिंदी में एक लाइन के शब्द लिखो। दंगल, दंगल का एक लाइन का शब्द है जंगल, दंगल, जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट। तो चलिए बच्चों एक बार इसको हम पढ़ते हैं एक लाइन के शब्दों को, ठीक है, एक लाइन के शब्द। तो पहला वाला है अंडा, अंडा यानी कि एग, एग को हम हिंदी में अंडा कहते हैं। तो ये जो अंतिम यानी कि लास्ट अक्षर है इससे, इसका उत्तर भी उसी अक्षर से खत्म होना है, जैसे अंडा डंडा, द, द, ठीक है, अंडा डंडा, डंडा यानी कि लैंगोस्टिक। तो फिर दूसरा वन है अंदर बंदर, अंदर यानी कि इनसाइड, बंदर यानी कि मंकी, दर, दर। देखिए उसका अंतिम अक्षर जो है उसका साउंड सेम आ रहा है ना, वॉइस अंदर बंदर। चौथा तीसरा है लंगूर, कौन सा है? लंगूर, अंगूर,
फिर चौथा वन है दंगल जंगल, दंगल जंगल, गल गल, अंगूर अंगूर, गुर गुर। बच्चों तो ये है एक लाइन के शब्द, एक लाइन के शब्द। तो आज आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। तो आज आपको मैं होमवर्क देती हूँ, यहाँ पे होमवर्क मेंशन करूंगी। लर्न एंड राइट होमवर्क। तो बच्चों आज आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट होमवर्क गिवन ऑन द बोर्ड, यानी कि जो मैंने बोर्ड पे होमवर्क लिखा है, जो होमवर्क मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको इस होमवर्क को, यानी कि एक लाइन के शब्द, एक लाइन के शब्द लिखने हैं, चार है। इन चार शब्दों को आप तीन बार घर पे पढ़ के और लिख के प्रैक्टिस करने के बाद मुझे होमवर्क भेजिए। एक शब्द तीन बार प्रैक्टिस करना, एक शब्द तीन तीन बार प्रैक्टिस करके मुझे होमवर्क सेंड करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं सोचती हूँ आप सभी को अनुस्वर, तो ये जो है अनुस्वर, आज हमने सिर्फ अनुस्वर इतना ही पढ़ा है, दूसरी क्लास में अनुनासिक और विसर्गुत्मा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज आप होमवर्क करिए, मैं इसके लिए होमवर्क बोर्ड पे छोड़ूंगी, प्लीज कॉपी।